जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं राजयोग, विपरीत राजयोग एवं हथेली में बनने वाले लक्ष्मी और महालक्ष्मी योग के संबंध में। आपकी हथेली में कौन से शुभ निशान आएंगे और किस प्रकार की स्थिति बनेगी, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी हथेली में भी विपरीत राजयोग, राजयोग और महालक्ष्मी लक्ष्मी योग की स्थिति बन पड़ी है। क्योंकि जब भी इन योगों की स्थिति बनती है, चाहे आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में, तो विभिन्न प्रकार के शुभ फलाफल आपके जीवन में आपको प्राप्त होते हैं। खासतौर पर धन से संबंधित और प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा यहाँ पर जातक को देखने को मिलता है। इस स्थिति में जब लक्ष्मी योग की स्थिति बनेगी तो जातक के जीवन में धन का प्रवाह तेज होता है, यानी कि आमदनी विभिन्न माध्यमों से आपके जीवन में प्राप्त होती है। वहीं जब महालक्ष्मी योग की स्थिति बनती है या लक्ष्मी योग आपके लिए पूर्णता से काम करता है, तो उस परिस्थिति में जातक के लिए धन का आगमन भी होता है और धन का संग्रह भी हो पाता है, धन का जतन भी हो पाता है, आप उसे सुरक्षित भी कर पाते हैं। अन्यथा धन आएगा, एक अच्छी मात्रा में आएगा, लेकिन उसी प्रकार से वो बहते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं, विभिन्न प्रकार के मद होते हैं, घरेलू खर्च हो गया, बच्चों से संबंधित हो गया, बीमारियाँ हो गई, कुछ लेना हो गया, देना हो गया, कर्ज हो गया, कुछ पता नहीं चलता है कि पैसे आखिर गए कहाँ। जबकि हम दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात जो भी पैसा हम कमा रहे हैं वो आ तो रहा है ना, लेकिन उसके मुकाबले बचत हमारे पास जीरो है। ऐसी परिस्थिति कब आती है? जब किसी भी प्रकार के सिंबल की स्थिति अगर आप अपनी पाम के द्वारा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिक के जैसी स्थिति हो जाए, कहीं ना कहीं खंडित हो जाए, कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में पहुंच जाए, तो ऐसी परेशानियां आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। और एक पुरानी कहावत है कि पुत्रशोक, यानी कि पुत्र की मृत्यु व्यक्ति सह लेता है, लेकिन धन जो खत्म होता है ना, या धन का जो नाश होता है, वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। तो इसका धन का, अर्थ का आपके जीवन में बड़ा महत्व होता है। जो इस विषय में, जो इस परिस्थिति से बहुत अच्छे से वाकिफ होगा, उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि धन की महानता कितनी है, उस समय रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं। तो आप अपनी हथेली के द्वारा इसे कैसे जानेंगे और इसके सिंबल कहाँ पे निर्मित होते हैं, शुरुआत से चीज़ों को आपको बताते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल मध्य के क्षेत्र के, आपके गुरु और मंगल के पर्वत के क्षेत्र से निकलती है। इसी क्षेत्र में नीचे की तरफ से केतु के पर्वत क्षेत्र या चंद्र के पर्वत क्षेत्र से आपकी भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जाती है। भाग्य रेखा अगर शुरुआत से बिल्कुल सुस्पष्ट, दोष रहित, त्रुटि विहीन अवस्था में, बिना खंडित अवस्था में ऊपर की तरफ चलती चली जा रही हो, लालिमा लिए हुए हो, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा से युक्त न हो, शुभ अलंकार यानी कि यहाँ पर त्रिभुज, स्क्वायर वगैरह शुभ अलंकारों की स्थिति इस पर पनपी हुई हो, और ठीक नीचे के क्षेत्र से ध्यान देना स्वास्थ्य रेखा नहीं, स्वास्थ्य रेखा होगी महीन होगी, टूटी फूटी अवस्था में होगी कुछ हथेली में, या बिल्कुल नहीं होगी, एक गाढ़ी अवस्था में एक सुस्पष्ट रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी, जो कि आपके जीवन रेखा या नीचे केतु के क्षेत्र से बढ़ के बुध के पर्वत क्षेत्र की तरफ जा रही होगी। ऐसी अवस्था अगर सुस्पष्ट हो, कहीं से भी खंडित न हो, और ये रेखाएं अगर भाग्य रेखा ऊपर जाके हृदय रेखा को छू देवे और नीचे आपकी बुध यानी मरकरी की लाइन जाके यहां पर भी हृदय रेखा के इस क्षेत्र को छू देवे और कहीं से खंडित ना हो, तो ऐसी अवस्था में जातक के लिए धन का आगमन भी सतत रूप से हमेशा जीवन में प्राप्त होता है और उसका संग्रह भी उसी प्रकार से होता है, और धन की वृद्धि भी उसके साथ साथ चलती चली जाती है, और दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति की स्थिति जातक के जीवन में आती है। और जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, एक चीज गांठ बांध लेना कि वो व्यक्ति अपने जीवन के 16वें वर्ष से ही एक्टिव होगा, अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय होगा और वो पूरी मेहनत के साथ काम करता होगा, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई उसकी कम हुई होगी, लेकिन बिजनेस करने की, अब जो भी व्यवसाय होता है उसके प्रति जो उसकी दक्षता थी और उसका जो शार्पनेस था, चीज़ों को समझने का, देखने का जो उसका नज़रिया था, जितना वो तेज था, उसके कारण वो तेज तरार स्थिति ने उसे यहाँ पर ला के छोड़ा है। पूर्ण तौर पे अपने कर्म के बल पे वो इस स्थिति को उसने प्राप्त किया है। कर्म कब काम करता है? जब भाग्य अस्पष्ट हो। सीधी सी बात है, देखो भाग्य और कर्म का, लोग कहते हैं ना कि कर्म कर लो सब कुछ मिल जाएगा, जी निश्चित मिल जाएगा, भाग्य में लिखा होगा ना, तो कर्म भी करवा ही देगा, ठीक है, सीधी सी बात है कि ए भी है, ए भी समझनी चाहिए। तो ऊपर के क्षेत्र में जब भी बनेगा तो राहु का इसमें सहयोग मिल जाता है, और जब राहु का सहयोग मिलेगा तो आंख नाक कान खुले रहेंगे,
बुद्धि बड़ी धूर्तता के साथ काम करेगी, तीक्ष्णता के साथ काम करेगी। चीजों को, फायदा को आप सूंघ लेंगे, महसूस कर लेंगे और उसके अनुरूप अपने धन का निवेश करेंगे। जहां आप 25 पैसे लगाएंगे वहां से 50 पैसे कमाएंगे, आप 500 रुपये आप कमाएंगे। ऐसी स्थिति को यहाँ पर ले जाके आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण करना शुरू कर देता है। और इन सबकी स्थिति किससे, पोषण इसे कहाँ से मिल रहा है, ऊर्जा इसे कहाँ से मिल रहा है? तो देखो, ठीक ऊपर सूर्य विराजमान है, यहाँ पर सूर्य विराजमान है। सूर्य की स्थिति यहाँ पे अगर जितनी ज्यादा बेहतर होगी, इनकी परिस्थिति उतनी ही ज्यादा प्रकाशमान होती चली जाएगी और व्यक्ति जीवन में उतना ही ज्यादा धन संग्रह करने की स्थिति में आ जाएगा। और वहीं पर ये लकीरें जितनी छिन्न भिन्न होंगी, जितनी ज्यादा टूटी फूटी होंगी, आपके लिए उतने ज्यादा खर्चे के उपाय निकलेंगे, आमदनी की कमी होगी, विभिन्न प्रकार के तनाव की स्थिति आपके जीवन में व्याप्त होती चली जाएगी। और उसके कारण क्या होगा कि जीवन के बाकी जो पहलू हैं उसे भी बिना छुए नहीं छोड़ेगी, अनछुआ नहीं रहेगा कुछ। पारिवारिक जीवन में भी तनाव होगा, कारोबारी क्षेत्र में भी तनाव होगा, हर एक जगह आपके लिए तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो धन एक ऐसा ऐसी चीज है जो कि आपके पूरे जीवन को चाहे तो कुंदन बना देवे और चाहे तो मतलब राख का ढेर बना देवे, ऐसी स्थिति को प्राप्त करवा देता है एक संसारी व्यक्ति के लिए, एक मुनि के लिए नहीं। एक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाए उसके लिए नहीं, एक जो संसारिक जीवन में है, जो इस आश्रम में है उसके लिए। अब ऊपर के क्षेत्र में देखोगे कि यहां पर एक सुस्पष्ट रेखा ने इसे आपस में घोर दिया है, घेर दिया है और एक बिल्कुल त्रिभुज की स्थिति का इसने निर्माण कर दिया है। लक्ष्मी योग, राजयोग की स्थिति का स्पष्ट वर्णन करता है। इसमें आपको क्या होगा कि चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी, आपको विरासत में यानी पैतृक धन की भी प्राप्ति हो जाएगी, ससुराल से भी धन की स्थिति बन जाएगी अगर भाग्य रेखा यहां पर चंद्र के पर्वत के क्षेत्र से आ रही हो तो, ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब ऊपर के क्षेत्र में ऐसे योग बनेंगे तो पूछो मत कहां कहां से धन आएगा, बेहतरीन धन के योग का निर्माण यहां पे आपके लिए करना शुरू कर देगा। आप विभिन्न प्रकार के उद्यम में अपने पैसे लगाएंगे, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज से ले लो, इसके अलावा आप दरिया से संबंधित ले लो, स्टोन से संबंधित ले लो, इसके अलावा आप ज्वेलरी से संबंधित ले लो, इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ले लो। अगर बुद्ध की यहाँ पर रेखा हो कि तीक्ष्णता अगर तीव्र है तो वहां से भी पैसे आने शुरू हो जाए, तो विभिन्न प्रकार के मदों से आपके लिए यहाँ पर प्राप्ति के योग बनेंगे। और सूर्य की ऊर्जा, यहाँ पर हमेशा ध्यान देना कि सूर्य की ऊर्जा कभी भी किसी भी प्रकार से कम न होने पावे, क्योंकि सूर्य की अगर ऊर्जा कम हो जाएगी तो वहां पर इन सब के रहते हुए भी उसका जो प्रभाव है ना वो कमतर होता चला जाएगा। यहाँ पर अगर सूर्य की एक रेखा नीचे तक चलती चली आती है तो ये नहले पे दहले का काम करता है, ये और भी ज्यादा इसकी जो तीक्ष्णता है ना, इसका जो तेज है उसे और भी ज्यादा बढ़ा देने का काम करेगा, मल्टीप्लाई 10 ऐसी स्थिति की तरफ ले आता है, 10 गुना 20 गुना उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। आपको प्रशासनिक सहयोग यहाँ पर मिलने लगेगा, विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी से संबंधित जो फायदा होगा वहां से आप लाभ कमाने की स्थिति में आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो काम होते हैं उसकी तरफ आप बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य जैसे ही मजबूत होगा यहाँ पर आपका मंगल व्याकुल हो रहा होगा बाहुबल के लिए। तो विभिन्न प्रकार के योगों का निर्माण करता है और इसके तहत आपके जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। लेकिन इन सारी रेखाओं की गहनतम विवेचना होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि आपने बता दिया फलानी जगह ऐसा है, हमारे में भी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो तो उसे सही तरीके से, चाइनीज समान और इंडियन समान में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है, लेकिन दोनों के काम में बड़ा लंबा फर्क होता है। हूबहू दिखने में एक जैसी चीजें एक जैसी नहीं होती, सब तो मानव ही हो ना, लेकिन उसमें कुछ ही महामानव हो, बाकी मानव ही रह गए या उससे भी नीचे चले गए। तो पहचानना होता है कि आपकी रेखाएं कितनी जागृत है, कितना उसमें बल है, सक्रिय है या नहीं है, पूरी भी है या नहीं है, उसके आधार पे आपको उसके फल उसी तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। आपको समझने में दिक्कत होती है तो विशेषज्ञ के द्वारा इन चीजों को सुलझाया जाता है। तो ये था प्रभाव कि आप अपनी हथेली में कैसे पहचाने कि आपके लिए राजयोग की स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है, महालक्ष्मी योग की स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है। अलग तरीके से भी इन चीजों को आप पहचान सकते हैं, गुरु के पर्वत क्षेत्र को देख के पहचान सकते हैं, शनि के पर्वत क्षेत्र को देख के पहचान सकते हैं, लेकिन जब एक कोण बन जाते हैं ना तो ये आपको ज्यादा लंबी दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पष्ट तौर पे यहीं से आप चीजों के बारे में मोटे तौर पे, अगर आर्थिक जीवन के बारे में आपको पता लगाना है तो आप पता लगा सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।